हेलो दोस्तों, मैं चेतन हमारी चैनल नेचुरल लाइफ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इस विषय पर कि जीवन को खुशी से कैसे जिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, पर सबका जीवन एक समान नहीं होता। एक इंसान जो अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का आसानी से समाधान कर लेता है और अपने जीवन में एक बड़े मुकाम पर पहुँचता है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। वहीं दूसरा इंसान जो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार मान लेता है, वो खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लगता है। उसके जीवन में हमेशा हताशा और ईश्वर के प्रति फरियाद झलकती रहती है। दोस्तों, यहाँ फर्क सिर्फ जीवन को समझने के नज़रिए में होता है। जीवन में सदा खुश रहने का एक अनमोल मंत्र है। सुबह उठकर अपने आप से कहो, दोस्त आज तेरे पास दो विकल्प है। या तो तुम खुश रहकर अपने जीवन के सुखों का लुत्फ उठाओ, या तो दुखी होकर अपने जीवन की कमियों को कोसते रहो। यह करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जीवन विकल्पों पर आधारित है, हमारी पसंद नापसंद पर आधारित है। लोग आपको खुश करेंगे या दुखी करेंगे, ये आपके पसंद किए हुए विकल्प पर निर्भर करता है। यदि आप जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता रहा है, नया कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर आप जीवन की सभी आपत्तियों और समस्याओं को हटा देते हैं तो आप कोई भी परिस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे एक शिल्पकार पत्थर से अतिरिक्त कचरा दूर करता है तभी उत्तम शिल्प आकार ले पाता है, वैसे ही जीवन से अपनी कमियों को निकाल फेंकने से आपका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। अपनी नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को अपनाओ। जीवन को एक सार्थक अभिगम देकर खुशियों से भर दो। ईश्वर आपसे यह नहीं पूछेंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की, वो इंसान की गलतियों का हिसाब रखता ही नहीं है। ईश्वर आपसे यही पूछेंगे कि जीवन में मिले कितने अवसरों को आपने खुशी से जिया, पूरी शिद्दत से जिया। ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, वो मेरे लिए अच्छा ही है। यह भाव जहां आ जाए वहीं से आपके आनंदमय जीवन की शुरुआत हो जाती है, वहीं से आपके भयमुक्त जीवन की शुरुआत हो जाती है। उस पल में आप मन के अंधेरे को प्रकाश में बदलने वाले पुरुषार्थी बन जाते हो, आप खुशी का महासागर बन जाते हो। अपनी नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को अपनाओ। जीवन को एक सार्थक अभिगम देकर खुशियों से भर दो, और तब ईश्वर के प्रति कोई फरियाद ही नहीं रहेगी।